खबर सीमलवाड़ा से। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक चालक युवक की दर्दनाक मौत। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। धम्बोला थाना क्षेत्र के राऊ मावी बोड़ामली के पास शनिवार रात को अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक चालक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर हेड कांस्टेबल अशोक कुमार पाटीदार, निर्मल कुमार, जीतमल हरीश पाटीदार समेत मौके पर पहुंचे। शव को सीमलवाड़ा मोर्चरी में रखवाया। रविवार सुबह पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। बोड़ामली निवासी विजयपाल उम्र 24 साल पुत्र हफजी डामोर की मौत हो गई, जो कि गुजरात में मजदूरी करता है। दो दिन पहले ही घर लौटा था। मृतक के पिता ने पुलिस को बताया कि बेटे विजयपाल की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हुई है। जांच अधिकारी एएसआई कालू सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस दौरान पूर्व सरपंच खुमान परमार, हरीश परमार समेत मौजूद रहे। धम्बोला थाना क्षेत्र के बोड़ामली सीनियर स्कूल के पास में बीती देर रात को एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर धम्बोला पुलिस मौके पर पहुंची, शव को सिमला मोर्चरी में रखवाया, जहां पर रविवार सुबह को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक विजयपाल पुत्र हफजी डामोर उम्र 24 साल, उसके पिता हफजी डामोर ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर भारतवर्ष के लिए सीमलवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान से गुणवंत कलाल की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।